हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं लाइव मंत्र वाइब वर्षा। तो गाइस, कड़ी पत्ते का यूज हम खाने में तो करते ही हैं। आज मैं इसका यूज करने वाली हूं हेयर फॉल को रोकने के लिए। आज मैं कड़ी पत्ते से बनाऊंगी हेयर टोनर और हेयर ऑयल। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ हेयर टोनर। तो उसके लिए मैंने गैस ऑन करके इस पर एक बाउल रख दिया है। बाउल में मैंने एक बड़ा गिलास पानी डाल दिया है और एक छोटी कटोरी मैंने इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। इस पानी को हम स्लो गैस पर 10 मिनट तक बॉईल करेंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसको एक दो बार यूज करेंगे तो इसका असर आपको खुद ही देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैंने पानी को 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैं इसको एक कटोरी में छान लेती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसको एक स्प्रे बोतल में डाल लेंगे। तो ये हमारा हेयर टोनर बनके तैयार है। इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक हम हेयर ऑयल बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं डाल रही हूँ एक कटोरी सरसों का तेल। आप इसकी जगह पे नारियल का तेल भी ले सकते हैं, या फिर आप सरसों का तेल लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें एक कटोरी कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और एक चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना डाला है। बस सारी चीज़ों को ऐसे मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में इसको भी चलाते रहेंगे। तो ये देखिए गाइस, मैंने ऑयल को 10 मिनट के लिए पका लिया है। गैस ऑफ कर देंगे और इसको एक कटोरी में छान लेंगे। इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको किसी बोतल या डब्बे में भर के रख लेंगे। जब हमें यूज करना होगा तब हम थोड़ा सा ऑयल निकालेंगे, बाकी का बंद करके रख देंगे। कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये डेड स्किन को रिमूव करता है और हमारे बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये वाला ऑयल बना के ट्राई करें, आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। 2-3 बार में क्या, आप एक बार यूज करेंगे ना, एक बार में ही आपको इसके फ़ायदे पता चलेंगे। इसको मैंने खुद ट्राई किया है तब मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो देखिए, टोनर को मैंने एक स्प्रे बोतल में डाल लिया है ताकि मैं इसको आसानी से लगा सकूँ, और ऑयल को मैं एक कांच की बोतल में डाल रही हूँ। ये ऑयल आपके बालों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। आपके बालों में कैसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाएगा। आप इसको एक बार बना के रख लेंगे, ये ऑयल आपको कम से कम 2 महीने आराम से चलेगा। इसको आपको महीने में 3 से 4 बार यूज करना है। बस थोड़ा सा ऑयल निकालें और अपने बालों में, जैसे मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से मांग कर करके लगा लें। अगर आपके घर में कोई और भी है तो आप उससे लगवाएं, और नहीं है तो आप खुद ही इस तरह से अपने बालों में मांग कर करके इस ऑयल को बालों की जड़ों में लगाएं। पूरे बालों में ऑयल को अच्छे से लगाने के बाद आप 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें और 1 से 2 घंटे आप इसको अपने बालों में रहने दें। उसके बाद आप इसको शैम्पू से वॉश कर लें। अभी मैं आपको बताती हूँ हेयर टोनर लगाना। तो हेयर टोनर लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हमने इसको स्प्रे बोतल में तो डाला ही है, बस इस तरह से अपने बालों पे स्प्रे कर लेना है। पूरे बालों पे इसको अच्छे से स्प्रे कर लेना है। बस उसके बाद हल्के हाथों से मसाज कर लें। इसको आप या तो एक दिन पहले लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल तो है नहीं जो हमारे कपड़ों को चिकना करेगा, या फिर नहाने से 2-3 घंटे पहले लगा सकते हैं। बस 2-3 घंटे के बाद इसको सादा पानी से वॉश कर लें। आप चाहें तो शैम्पू यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको तलाश है किसी अच्छे शैम्पू की तो ममा अर्थ का अनियन शैम्पू है आपके लिए एकदम बेस्ट। किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है इसमें। ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। जो चीज़ें मैं खुद यूज करती हूँ वही आपको बताती हूँ। बहुत ही अच्छा शैम्पू है। मैं इसको काफ़ी लंबे टाइम से यूज करती आ रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सारी चीज़ें पीछे डिटेल में दी हुई हैं। 250 ml की बोतल में ये आपको मिलता है 349 रुपीज़ का। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से लिंक पे क्लिक करके ले सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अपनी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।